स्कूल खुल चुके हैं और हर माँ की एक कॉमन समस्या भी होती है कि बच्चों को टिफिन बॉक्स में ऐसा क्या दिया जाए जो झटपट भी बन जाए और बच्चों को भी पसंद आए। तो आज हम ऐसी ही रेसिपी लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो सबसे पहले एक बाउल में एक कटोरी बेसन, 3 से 4 बड़े चम्मच मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, नमक स्वाद अनुसार इसे मिक्स करेंगे। धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे और इसका एक स्मूथ घोल बनाएंगे। ध्यान रहे इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच ओरिगेनो, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसे आप स्किप कर सकते हैं, 3 से 4 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी हमने इसमें और डाला है क्योंकि ये जो घोल है हमें गाढ़ा नहीं बनाना है। इस घोल को थोड़ा सा पतला ही बनाया जाता है। ये देखिए इतना ये पतला होना चाहिए। अब हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें डालेंगे बटर। अब जो बैटर हमने तैयार किया है तो 2 करछी भरकर हमने इसमें डालना है। बस इसे अब थोड़ी देर के लिए ऐसे रखना है। आप चाहे तो इसे ढक भी सकते हैं। ध्यान रहे इस वक्त आंच धीमी होनी चाहिए। तो जब ये एक तरफ से ड्राई हो जाए तो इसे धीरे से स्पैचुला की सहायता से पलट लें। अब फिर से किनारे की तरफ मक्खन डालेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से ये सिक जाए। बस इसी तरह से इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें और ये हमारा चीला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर चीला बनाते वक्त टूट रहा है तो इसका मतलब घोल ज़्यादा ही पतला हो चुका है। तो उसमें आप 2 चम्मच बेसन और डाल दें और फिर उस बैटर को पैन में डालें। ऐसा करने से चीला बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। इस चीला की खास बात ये है कि खाने में तो टेस्टी होगा ही, साथ ही ये ठंडा होने के बाद भी बिल्कुल भी सौगी नहीं होगा। और घर में जब भी आपको ब्रेकफास्ट बनाना हो तो आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए इसे बना सकते हैं क्योंकि ये सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। इसे धनिया पुदीना की चटनी, चिली सॉस, केचप के साथ सर्व किया जाए तो उसका टेस्ट डबल हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। द फूड क्रंच को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।